प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 बासंती के अध्याय 4 मेरी जीवन रेखा पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश समझा था। मुझे उम्मीद है कि आपने किताब में से इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। इसका पहला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा। तो जब द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी तो बहुत से अधिकारियों ने उनसे आग्रह किया कि आप रेलवे की नौकरी वापस कर लीजिए, आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। तो इस संबंध में जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो उनकी पत्नी ने कहा, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है। अर्थात उनकी पत्नी ने इस्तीफा वापस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा वापस मत लीजिए, हमारी जो भी आमदनी है हम उसमें ही अपना खर्च चला लेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पूरा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या क्या नई उपलब्धियाँ प्राप्त की। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने द्विवेदी जी के मन में साहित्य के प्रति अनुराग में वृद्धि कर दी। वहाँ उन्हें सुशिक्षित व्यक्तियों की संगति भी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार होशंगाबाद में उन्होंने अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे। तो हमने पढ़ा था कि द्विवेदी जी लेखों की भाषा को संशोधित कर अधिक पाठकों की समझ में आने लायक बना दिया करते थे। मतलब वो उन लेखों में संशोधन करके उन्हें इस प्रकार से बना देते थे ताकि अधिक से अधिक पाठक उसे समझ सकें और अधिक से अधिक पाठक उन्हें पढ़ सकें। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए और उनका पालन करने में वे कहाँ तक सफल हुए। तो हमने पढ़ा था कि द्विवेदी जी ने अपने लिए कुछ सिद्धांत 4 सिद्धांत उन्होंने अपने लिए निश्चित किए थे। उनमें पहला था वक्त की पाबंदी करना, अगला था रिश्वत ना लेना, तीसरा था अपना काम ईमानदारी से करना और चौथा था ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयास करते रहना। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, लेकिन चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। फिर भी उसमें लगातार अभ्यास से उन्हें सफलता मिलती गई और उन्होंने अपने इन 4 सिद्धांतों का पालन किया। अगला हमारा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो हमने ये समझाता पाठ में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रयाग के इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित तृतीय रीडर की समालोचना पुस्तकाकार में प्रकाशित की थी। इस समालोचना में द्विवेदी जी ने उस रीडर के बहुत से दोषों का उल्लेख किया था। इससे प्रभावित होकर इंडियन प्रेस द्वारा उन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, द्विवेदी जी अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। वे आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले आते थे, 2 आने महीने फीस देते थे, दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियां पकाकर पेट पूजा किया करते थे क्योंकि उन्हें रोटी बनाना नहीं आता था। रोटी बनाना तब उन्हें आता ही ना था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी, तो विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ते थे। एक वर्ष किसी तरह वहां काटे, फिर पुरबा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुर्व्यवस्था के कारण वे इससे आगे ना पढ़ सके और उनकी स्कूल की शिक्षा वहीं पर समाप्त हो गई। तो इस प्रकार द्विवेदी जी का विद्यार्थी जीवन संघर्षपूर्ण रहा। तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर पूरा हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में
प्रकाशन करने के लिए किस तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। तो जब द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करते थे, वो इसके संपादक थे, तो उन्हें अनेक प्रकार के लालच लोग देते थे। वो क्या कहते थे, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए इस प्रकार प्रलोभन दिए जाते थे। कोई कहता, मेरी मौसी का मर्सिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। कोई लगता, अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता, मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दोगे तो तुम्हें एक बढ़िया गाड़ी, एक बढ़िया घड़ी या पैरगाड़ी नज़र की जाएगी। इन प्रलोभनों पर द्विवेदी जी बहरा और गूंगा बन जाते और सरस्वती में वही मसाला जाने देते जिससे वे पाठकों का लाभ समझते। वे उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखते और यह देखते रहते कि उनके किसी काम से उनको सत्य पथ से विचलित होने का साधन ना प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर भी पूरा हुआ। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, आशा स्पष्ट कीजिए, अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है, तो इसका आशय देख क्या है। उपरोक्त बात का आशय यह है कि व्यवस्थित चित्त से किया गया काम सफल होता है, अर्थात जिस व्यक्ति का मन स्थिर होता है वह कोई भी कार्य करता है तो वह काम सफल हो जाता है, और अगर किसी व्यक्ति का मन ही स्थिर ना हो तो वह कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। क्या देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें सहजता और सरलता होती है, आशंका तो उससे बिल्कुल नहीं होती। इसके विपरीत अव्यवस्थित चित्त से किया गया काम कभी भी सफल नहीं होता, उसका फल अच्छा नहीं होता, वह काम हमेशा कुफल देने वाला ही होता है, वह दुखद होने के साथ वह आशंकाओं से भी भरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति स्थिर चित्त वाला होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, और जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं होता अर्थात अव्यवस्थित होता है वह व्यक्ति सफल होगा इस बात की आशा बहुत ही कम होती है, उसकी सफलता में हमेशा ही संदेह बना रहता है। तो हमारा ये पांचवा प्रश्न भी यहाँ पूरा हुआ। अब इस पाठ की व्याकरण, तो सबसे पहले है इस पाठ के हमें कुछ शब्द हैं, हमें इनके विलोम शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, तो इसका विलोम होगा बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। अगला है हमारा सत्यपथ, इसका विलोम होगा कुपथ। अगला है अनुकूल, अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। जीवन का विलोम होगा मरण। विद्वान का विलोम होगा मूर्ख, और कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला हमारा शब्द है सरस्वती, तो इसके पर्यायवाची होंगे भारती, वीणा वादिनी, है ना। और अगला शब्द है मित्र, मित्र के पर्यायवाची होंगे दोस्त, सुहृदय, सखा, ये होते हैं। अगला देखिए ग्रह, ग्रह के हमारे पर्यायवाची होंगे घर, आवास। अगला है आत्मज, आत्मज के पर्यायवाची होंगे पुत्र, बेटा। और अगला शब्द है तरक्की, इसकी पर्यायवाची होंगे उन्नति और प्रगति। तो इस प्रकार हमारी पर्यायवाची शब्द भी पूरे हुए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम, तद्भाव, देशज और विदेशी शब्द हमें छांटना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें अलग अलग शब्दों को लिखना है। तो पहले देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होंगे, आत्मज, ध्रष्टता, जीवन, संगति। तद्भाव शब्द होंगे निगरानी, सैनिक। देश शब्द होंगे उजरत, पाबंदी। विदेशी शब्द होंगे हमारे मदरसा, फीस, स्कूल, नज़र, मिडलैंड, मुलाजिम और इस्तीफा। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं जो हमने अलग किए। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है देहात का रहने वाला, उसे क्या बोलेंगे, देहाती। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे बोलेंगे विश्वसनीय। उपकार को मानने वाला उसे बोलेंगे कृतज्ञ, उपकार को मानना अर्थात कृतज्ञ। और जहाँ पर पुस्तकें छापी जाती उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रेस भी बोल सकते हैं और छापाखाना भी बोल सकते हैं। अगला है कम ज्ञान रखने वाला, तो उसे बोलेंगे अल्पज्ञ। तो हमारा ये प्रश्न भी यहाँ पूरा होता है।
अगला है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। पहला है मैदान मानना, तो इसका अर्थ होता है सफलता प्राप्त करना, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, वीर पुरुष कहीं भी मैदान मार लेते हैं। अगला है पेट पूजा करना, इसका अर्थ होगा भोजन करना, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या बनेगा, पेट पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, तो जो भोजन हम करते हैं उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, पेट भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही पड़ता है, तो हमारा वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, पेट पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अगला है होश आना, मतलब सचेत हो जाना, तो इसका वाक्य प्रयोग हम लिख सकते हैं बढ़ती महंगाई से बड़े बड़े लोगों को होश आने लगा है, हम वाक्य प्रयोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ। इस प्रकार हमारा मेरी जीवन रेखा पाठ के अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूरे हुए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।